हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, इट्स अ सडन प्लान। मैं हूँ मुक्तेश्वर में और इस ट्रिप पे हम जाने वाले हैं मुक्तेश्वर टेंपल, जो कि महादेव का बहुत ही फेमस टेंपल है। तो एक छोटा सा एक हम लोगों का भी प्लान बन गया। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। ये सामने आप देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये सामने जो माउंटेन्स आप देख रहे हैं, ये नंदा देवी माउंटेन्स है। इंडिया की सबसे बड़ी माउंटेन चेन है ये, लाइक सेकंड हाईएस्ट मानी जाती है, वन ऑफ द हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है। वैसे अगर बात करें तो कंचनजंगा के बाद सबसे बड़ी माउंटेन्स ये मानी जाती है। बहुत बढ़िया यहाँ से व्यू है, बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है बीच में। देखो हम लोग कहाँ रुके हुए, मैं ये चीज दिखाता हूँ। ये जो वुडन के हट्स बने हुए हैं, ट्री हाउस दिया गया है इनका कॉन्सेप्ट जो है, ट्रीज ही इसके अंदर से है। और ऊपर भी दो रूम्स हैं उसके अंदर, तो खैर काफी बड़े बड़े ट्रीज थे। काफी अच्छा हमारा ये था, रात को चालीस से प्रोग्राम बना, तो हम लोग कल रात को यहाँ पर आ गए थे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे हम लोग मुक्तेश्वर टेम्पल जाने वाले हैं और नीम करौली के दर्शन करने वाले हैं। नीम करौली बाबा बहुत फेमस बाबा है कैंची गांव में। सो चलते हैं अभी ब्रेकफास्ट करने और फिर उसके बाद ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। सही बात है। सो गाइज, ऑन द वे टू मुक्तेश्वर, देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है मेरे पीछे। एक पॉइंट पे हम लोग रुके हैं, मैगी पॉइंट है यहाँ पे, एंड ब्यूटीफुल व्यू। कैसा व्यू भाई? कैसा व्यू है अश्ले? गुड बाबा, गुड। कम बोलता हमारा भाई। फ्रेंड्स, ये है एंट्री इसकी, यहाँ से अब सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाएगी। 95 से 10 गाइस, 96 स्टेयर्स हैं यहाँ पे मुक्तेश्वर टेंपल के। हम लोग पहुँच चुके हैं वाया स्टेयर्स। आप पीछे से वॉक करके भी आ सकते हैं, नॉन स्टॉप आए हैं तो सांस चढ़ गए। ये हमारे फिट गाय हैं, रोज जिम करने वाले, इनकी भी वाट लग गई है। ये है मेरे पीछे मुक्तेश्वर टेंपल, एंड ये यहां से व्यू आता है पीछे। सो गाइज, अभी हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं मुक्तेश्वर टेंपल के। मैं बता देता हूँ आपको इस जगह को मुक्तेश्वर क्यों कहा जाता है। बिकॉज जो भोले बाबा थे, महादेव थे, वो यहाँ बैठ के तपस्या किया करते थे और एक राक्षस का वध किया था, उसको मुक्ति दी थी, तभी से इस जगह का नाम मुक्तेश्वर पड़ा। और ये जगह का नाम भी मुक्तेश्वर है और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं मुक्तेश्वर टेम्पल है। एक मैं आपको यहाँ पे यूनिक चीज दिखाता हूँ। यहाँ लोगों ने पत्थर से अपने घर बनाए हुए हैं। ये मान्यता है कि जितने बड़ा आप जितने आप बड़ा पत्थर के ऊपर पत्थर रखोगे, उतने बड़ा आपका घर बनेगा। देखो लोगों ने अपने एक घर बना रखे हैं, मतलब ये मान्यता है। ये देखिए इधर से, ये देखिए, ये घर बना रखे हैं लोगों ने।
सो गाइस मुक्तेश्वर की चढ़ाई पे भाई हमारे बनाते हैं जूस और भाई बताएंगे कैसे बनता है। भाई कह रहे हैं फूलों वाला। हाँ, एक फूल होता है ना बुरांश, आपको दिखाते हैं सर। बुरांश आपने अभी रेड रेड वाला एक फूल देखा होगा, ये वाला है रेड रेड फ्लावर होता है बुरांश। एक्चुअली इसका जो बॉटनिकल नेम है रोडोडेंड्रॉन है। ये हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, हार्ट के लिए, स्किन के लिए, शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये यहाँ का एक लेमन है सर, पहाड़ी नीम। हाँ, इसको आप लोग डिजाइन कर सकते हैं। ये क्या है, ये लेमन है? इतना बड़ा ये बिल्कुल नेचुरल लेमन है सर जी। अच्छा जी, ये ले लो रास्ते के लिए, ले लो इसको। तो अभी आप लोग के लिए बुरांश मिक्स करके बनाता हूँ। तो आप इसमें क्या क्या डालने वाले हो? जी सर, इसमें बुरांश पड़ेगा 30 ml, ये जो आपने फूल दिखाया था। हाँ जी, और बुरांश। हाँ जी, गिलास के अकॉर्डिंग। और ये डालोगे आप? हाँ, ये लेमन पड़ेगा और मसाले पड़ जाएंगे। और इसमें पड़ेगा सर जी पानी और सोडा। पानी और सोडा। ब्रांच को वैसे भी पी सकते हैं? नहीं, ब्रांच को डाइल्यूट करना ही पड़ता है इसके। तो भाई अगर आप मुक्तेश्वर टेंपल आ रहे हैं तो भाई को मिल लेना। भाई नाम क्या आपका? मेरा नाम उमेश सिंह बिष्ट है। उमेश सिंह बिष्ट। कितनी कितनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद है अपना ये? ये सर आधे रास्ते, आधे पे गेट से जैसे आप ऊपर आते हो बिल्कुल आधे पे आता है। चलो भाई करना ट्राई, हम लोग भी आपको फीडबैक देते हैं पीने के बाद। तो पैक करवा लें भाई? टेस्ट तो अच्छा है, आप लोग ट्राई करिए जरूर। फायदा तो बाद में पता लगेगा, बट टेस्ट काफी अच्छा है। इस अभी हम लोग जा रहे हैं नीम करौली बाबा और हम मुक्तेश्वर टेंपल से आ चुके हैं। तो गाइस मुक्तेश्वर टेंपल के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए, और हम इसके बाद जाते ही जी वैगन ले रहे हैं। और भाई हमारा बन जाएगा CEO 3-4 कंपनीज का। नहीं, अभी है 3-4 के, अभी 3-4 का है, उसके बाद पता नहीं क्या करने वाला है। सो गाइस ये है पीछे नीम करौली बाबा का टेम्पल, सो करवाते हैं आपके दर्शन इसके बाद। सो गाइस फाइनली मैंने दर्शन कर लिए हैं और मेरे साथ में एशले ने भी दर्शन कर लिए हैं और भी एक दो मेरे फ्रेंड्स थे उन लोगों ने भी दर्शन कर लिए हैं। और अभी हम लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं वापसी, बट मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। नीम करौली बाबा फेमस क्यों हैं? भगवान हनुमान जी का अवतार माने जाते हैं। बहुत सारे किस्से हैं लाइफ में, इंटरेस्टिंग किस्से इनके साथ हुए और भी बहुत सारे लोगों के साथ में जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो लोगों ने यहाँ पे जब से दर्शन किए तो लाइफ ही चेंज हो गई। जैसे स्टीव जॉब्स है, मार्क जकरबर्ग है, बड़े सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं। अभी हाल फिलहाल में अनुष्का विराट ने भी यहाँ पे विजिट किया था। हम भी सोशल मीडिया से यहाँ पे आए हैं, बट हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था कि बहुत ही शांति है, बहुत नीट एंड क्लीन है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट स्टिल जितना हो सके छोटे छोटे क्लिप्स मैंने ले लिए। आप लोगों ने भी हमारे थ्रू दर्शन कर लिए। भाई को हमारे एक चेन चाहिए था, ये भी मेरे साथ में, एशले भी पहली बार ब्लॉग में है, पीस पसंद है, तो हमारे लिए एक चेंज भी हो गया। हम लोगों ने दर्शन भी कर लिए, मुक्तेश्वर टेंपल भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, अभी हम लोग वापस दिल्ली जा रहे हैं। तो आई विश हमारी साइड से भी हम लोग विश करते हैं जितने लोगों ने हमारे थ्रू यहाँ पे दर्शन किए हैं उनकी भी विशेज़ पूरी हों, कि प्रॉब्लम्स हैं तो वो आप लोगों की सारी सॉर्ट आउट हो जाए, अलाइन हो जाए आपकी लाइफ, आप खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे। सो गाइज मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। नमस्ते, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।